आज का मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, बादल ही बादल छाए हुए हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप सबका स्वागत है पहाड़ी अनसीन सूर में। तो आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन तो आपको पता ही है कि क्या होता है एग्जैक्टली। भाई और बहन का रिश्ता होता है जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है। और तो हम गोरखाली हैं तो हमारे कल्चर में क्या है कि हमारे उसमें ना पंडित जी होते हैं ना 52 बाजे, तो वो ये रक्षाबंधन बांधते हैं। तो मेन रक्षाबंधन हमारे हमारे कल्चर में ये होता है जो मेरे हाथ में बंधा हुआ है पीले रंग का धागा। और जी बाकी तो लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को अडेप्ट कर लिया है और उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, वही सब होता है। सो अभी अराउंड 10 बज रहे हैं सुबह के और थोड़े बहुत हम काम निपटा चुके हैं अपने, और अब दीदी लोग घर पे आएंगे कुछ टाइम के बाद। सो वी विल सेलिब्रेट रक्षाबंधन। और बाकी नोरा से आपको जल्दी मिलाता हूँ मैं। बाकी यार गर्मी इतनी हो रही है ना कि मेरे तो हाथ ही खराब हो चुके हैं। मैंने आज रेड कुर्ता पहना हुआ है। क्या है इसमें? तेरा फेस नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, देहरादून में ऐसी मिठाइयाँ मिलती हैं। लो ये दाई की। मेरे तो पूरा कुर्ता और टीका रेड रेड मैचिंग का हो गया। तो ये मैंने कल आटे के लड्डू बनाए थे जिसमें नारियल का मैंने बाहर से कोटिंग किया है। पर तन के दर मत रहो यार। अभी एक बात बताऊंगा आपको, खींचो वीडियो बना लो, डाला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैं शाही पनीर बनाने वाला हूँ, बना रहा हूँ एक्चुअली। सो लेट्स सी कैसा बनता है, होप फॉर द बेस्ट। किसका पर्दा उठा लिया? दिखा दो सर कपड़ा। ये देखो सो फाइनली शाही पनीर इज रेडी। आई डोंट नो कैसा बना होगा, टेस्ट नहीं किया अभी, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। सो गाइस, एक करेले की चटनी है जो कि मोस्टली हमारे घर में बनती रहती है, तेल के साथ बनाई जाती है। ये है राजमा। आज मैंने शाही पनीर बनाने की कोशिश की और वो कोशिश काफ़ी हद तक अच्छी जा चुकी है। अभी दीदी लोगों ने, मम्मी लोगों ने, पापा ने, सबने और किसी ने भी अभी फ़िलहाल वो ट्राई नहीं किया क्योंकि वो सब अभी नानी के घर गए हुए हैं, मामा के घर गए हैं, क्योंकि मम्मी को, मामा को राखी बांधनी है और दीदी को और भी मेरे कज़न हैं उनको राखी बांधने गए हैं वो लोग।
अभी वो जल्दी आएंगे वापस, वो लोग शायद वहीं पे खाना खाने वाले हैं और हम लोग तो खा चुके हैं। संकेत, अक्षता, मैंने खाना खा लिया यहाँ पे और नोरा ने भी खा लिया खाना। क्या हुआ? मैं सच में ब्लॉग में डालने वाला हूँ। वैसे मेरा 2 मिनट का ब्लॉग बन रहा है, ऊपर से लड़की मेरा ब्लॉग खराब कर रही है। तो भूत ही तो है जी। देखो जीता जागता भूत। तो अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और ब्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना कुछ अलग से इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही सिंपल हमने बाइक की आवाज़ थी क्या, व्हाट द हेल। सो बहुत ही सिंपल हमने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन और इतना सारा खाना बना था, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी दीदी लोग, सबके सब रिलेटिव के घर में खाना खा के आ गए, यू नो, भाइयों के मतलब, और घर पे खाना ऐसे पड़ा है। अब शाम को वही शाही पनीर मैंने खिलाने वाला हूँ। सो या दैट वॉज गुड गुड फेस्टिवल, यू नो। बाय बाय, सब जा रहे भाई। बाय टाटा, बाय। चलो आ जा, दिन भर बंदी हुई थी ना नोरा, तो अब जाके टाइम मिला है नोरा को। फाइनली नोरा छत में आई और ओपन हो चुकी है ना, क्योंकि अभी सब जा चुके हैं ना अपने अपने घर राखी बना के, है ना नोरा? आ जा, चल खेलेंगे। और ये पहाड़ हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहे हैं। हम लोगों ने रक्षाबंधन बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया घर पे। ऑब्वियसली आजकल कोरोना भी चल रहा है और वैसे भी रक्षाबंधन सिंपल ही फेस्टिवल होता है और हर किसी पे डिपेंड करता है वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एट दी एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट होना चाहिए, राइट? सो अभी एटलीस्ट 7 बज चुके हैं, लगभग 7 बज चुके हैं, और नोरा मेरे साथ है। सो नोरा, नोरा किसी कर दो, किसी कर दे बेबी। आज दिन भर बंदी रही ना तुम। बाय टाटा।